नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली डेली न्यूज में। वक्त के बदलने का असर अब मंदिरों पर भी पड़ने लगा है। यही वजह है कि दक्षिण के मंदिर में अब प्रसाद के तौर पर मिलने वाली चीज में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है। चेन्नई के पड़ापेड मंदिर के परंपरागत प्रसाद की जगह बर्गर और ब्राउनी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर मिलने वाले इस आधुनिक प्रसाद, इसको बनाने के तरीके, एक्सपायरी की तारीख समेत सभी चीजों को दर्शाया गया है। मंदिर के प्रसार के तौर पर यह बिल्कुल नया प्रयोग है। यहाँ पर प्रसाद को लेने के लिए एक वेंडिंग मशीन भी लगाई गई है, जहाँ से इसके लिए पैकेट को कलेक्ट किया जा सकता है। मंदिर में होने वाले इस बदलाव के एक हर्बल ओकोलॉजिस्ट के श्री श्रीधर मदद कर रहे हैं। उन्होंने ही इस तरह की सलाह मंदिर को दी थी कि प्रसाद में इस तरह का बदलाव किया जाए। उन्हें लगा कि मंदिर के किचन में बनाई गई ऐसी कुछ भी चीज जो हर तरह से सुरक्षित हो और सही हो, को प्रसाद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये परंपरागत प्रसाद से बिल्कुल अलग है। पिछले दिनों प्रसाद के तौर पर मंदिर में केक भी यहाँ आने वाले भक्तों को दिया गया था। इसके अलावा मंदिर ने प्रसाद के लिए डोर टू डोर सर्विस भी शुरू की है। ये बदलाव लोगों को बेहद पसंद आ रहा है, खासकर उन लोगों को जो अपनी बढ़ती उम्र के चलते मंदिर नहीं आ पाते हैं। वे घर बैठे ही मंदिर का प्रसाद ग्रहण कर पाते हैं।